कैसे सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी बियर्ड ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कुछ टाइम पहले इतनी कोई अच्छी बियर्ड नहीं थी, पर आज के टाइम पर जितनी भी बियर्ड मेरी आ पाई है वो मैंने जो हैक्स यूज़ करे हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी हैं, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आप फॉलो करने वाले हो और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो गाइस, इस वाली वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना, आपकी बियर्ड ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, दोस्तों वो है शेविंग को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ है कि अगर हम रोज़ डेली शेविंग करेंगे तो उससे हमारी बियर्ड ग्रोथ होएगी कि नहीं होएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोज़ डेली शेविंग करते हो या नहीं करते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शेविंग करने से आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। इस बात का आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि अगर आप रोज़ डेली शेविंग करोगे तो आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। तो गाइस, इस बात पर बिलीव बिल्कुल भी ना करें। होता क्या है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो वो अंदर से आते हैं, बाहर से इतना ज्यादा नहीं होता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दोस्तों वो है डाइट को लेकर। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी बहुत पुअर डाइट होती है, बहुत ही बेकार डाइट होती है, उनकी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी बियर्ड ग्रोथ अच्छे से करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाएं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी डाइट में बायोटिन होना बहुत जरूरी है। कौन से होते हैं प्रोटीन फूड्स, ये सारी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप प्रोटीन के जो फूड्स हैं ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बायोटिन की, तो बायोटिन फूड्स की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दोस्तों अगर आपकी पैची बियर्ड आती है, ऐसा क्या करूं जैसे मेरी पैची बियर्ड है, वो जो पैचेस हैं वो भर जाएं, काफ़ी अच्छी हो जाए, काफ़ी ठीक हो जाए बियर्ड, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डर्मा रोलर। और जो डर्मा रोलर होता है, जब हम अपनी बियर्ड पर इसको चलाते हैं, हफ्ते में अगर आप इसको एक बार यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स दे रखी हैं, और ये जो नीडल्स, इससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। जितना भी आपका पैची एरिया है, जितना भी आपका बियर्ड का एरिया है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी बियर्ड ग्रोथ तेज़ी से होने लग जाएगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डर्मा रोलर। बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, दोस्तों वो ये है कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ना तो कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना तो कोई वर्कआउट करते हैं, मतलब पूरे दिन घर पर ही लेट रहते हैं, पसीना निकलेगा नहीं, स्वेट निकलेगा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उनकी बियर्ड ग्रोथ कैसे हो पाएगी, उनकी दाढ़ी किस तरीके से बड़ी हो पाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इंसान वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा होता है, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, जिससे बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। दोस्तों, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दोस्तों वो ये है कि आपकी जैसे भी बियर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से रख रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको ठीक तरीके से रखते ही नहीं है, मतलब अनग्रूम्ड बियर्ड रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जितने भी नेक के जो आपके जो बाल होते हैं, इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और जो चीक्स के ऊपर के जो बाल होते हैं, इसको भी आप बिल्कुल हटाएं, इसको साफ करें। जो नेक के जो बाल होते हैं, इनको भी बिल्कुल आपको साफ करने से आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, हैंडसम लगोगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा ट्रिमर, जो कि बहुत सस्ता हो। तो दोस्तों, नोवा का ट्रिमर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। मैंने काफ़ी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो कोई इसका महंगा इतना प्राइस नहीं है, आपको 300-400 के अंडर ये आपको मिल जाएगा, और इससे अपनी जो बियर्ड है उसको सेट कर सकते हैं घर पे ही, और आपको बार बार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, डर्मा रोलर एंड जो नोवा का ट्रिमर है वो अमेज़न से आप इजीली बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। दोस्तों, अच्छी डाइट लें, ट्रिमर से अपनी बियर्ड सेट करते रहिए, डर्मा रोलर यूज़ करें, और प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज वगैरह करें, दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी बियर्ड ग्रोथ होने लग जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एज फैक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी एज बहुत ही कम होती है, मतलब 13-14-15 साल के हैं, और वो सोच रहे हैं कि मेरी बहुत घनी वाली बियर्ड आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी वाली बियर्ड चाहिए तो उसके लिए सबर आपको करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको करीब 21-22 साल 23 साल तक वेट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब 21-22 साल 23 साल तक बियर्ड आपकी आती रहती है, उसके बाद भी आती है लोगों की बियर्ड। तो दोस्तों, सबर करें, ये सभी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दी वीडियो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल पाए, बहुत ज्यादा फायदा हो पाए। ऑल द बेस्ट यार, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।